नमस्ते गाइस, मैं हूं आपका गाइड। आज आपके लिए एक नहीं बल्कि दो यूजफुल प्रोडक्ट लेके आया हूं। तो आज हमारे सामने दो सेल्फी स्टिक, ये है हमारे पास डिजिटेक कंपनी की, ये वाली सेल्फी स्टिक है हमारे पास अमेजोन बेसिक्स की। ये मुझे पड़ी है 500 रुपीज़ की, ये पड़ी है मेरे को 350 की। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, या आपको ये सेल्फी स्टिक लेनी चाहिए या थोड़े और पैसे खर्च करके आपको ये वाली ले लेनी चाहिए, वेल इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। दोनों ही सेल्फी स्टिक हमारे ट्राइपॉड का काम भी करती है, तो चलिए देखते हैं कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हम इसको डिजिटेक कंपनी वाली को खोल के देखते हैं। तो फर्स्ट लुक आप ये देख सकते हैं गाइस, दोनों का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूँ तो मेरे को डिजिटेक कंपनी की ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये आपको थोड़ी सिंपल सी लगेगी, बट ये आपको थोड़ी मार्केट टाइप की फील देगी। तो दोनों को खोल के देख लेते हैं एक बार। पहले है हमारी डिजिटेक कंपनी की, ये कुछ इतनी बड़ी हो जाती है। इसको हम खोलेंगे तो ये आपकी यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगी। तो हम दोनों की सबसे पहले लेंथ मेज़र करते हैं। सो गाइस, अमेजोन बेसिक्स की जो हमारी सेल्फी स्टिक है ये थोड़ी सी बड़ी है डिजिटेक कंपनी से। आई थिंक ये 5 इंच बड़ी है इससे। तो ये वाली हमारी 2 फिट की है और ये 2 फिट से हल्की सी बड़ी है। तो लेंथ के मामले में तो हमारी अमेजोन बेसिक्स की सेल्फी स्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, मुड़ नहीं रहा आसानी से। और इसकी देखता हूँ तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी क्वालिटी मेरे को अमेजोन बेसिक्स वाली से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब ऑफ कोर्स यार, ये वाली आपको थोड़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही है, तो इसमें आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। बाकी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए बटन मिल जाता है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप अगर अपनी सेल्फीज़ वगैरह लेना चाहें या वीडियो बनाना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा ये आपके फ़ोन में। 10 मीटर की इसकी रेंज है। और इस सेल्फी स्टिक में हम देखते हैं तो इसमें भी आपको सेम ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी भी रेंज 10 मीटर है, सेम यूज़ है इसका भी। दोनों ही सेल्फी स्टिक हमारा ट्राइपॉड का भी काम करती हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा सही है। ये हमारी डिजिटेक कंपनी की, ये थोड़ी स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ी मुझे कम लग रही है। इसको चेक करते हैं एक बार। अगर मैं गाइस स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये वाली मेरे को ज़्यादा सही लग रही है, क्योंकि इसके आप लेग्स भी देखेंगे तो वो आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो एज अ ट्राईपॉड मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें और चीज़ें देख लेते कि आपको क्या क्या मिल जाता है। इसको पहले करते हैं हम साइड। यहाँ पर आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ये यहाँ पर आपको बटन भी मिल जाएगा लाइट के लिए। आप इसको प्रेस करेंगे एक बार, ये लाइट खुल जाएगी। एक बार दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइट और तेज़ हो जाएगी। फिर तीसरी बार इसको प्रेस करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी इस तरह से। और अगर आपका फ़ोन ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको ऐसे करके लगा सकते हैं। कितना भी बड़ा फ़ोन हो आपका, इजीली इस पे लग जाएगा। आपको उसके लिए इसको ऐसे खोलना पड़ेगा और इस बीच आपका फ़ोन अटक जाएगा। आप इसको 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, ये आपका इजीली हो जाएगा। आपको जिस तरफ करना है, वीडियो ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, कैसे भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको इसको ढीला या टाइट करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली एक स्क्रू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इजीली टाइट हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अगर हम इसमें देखते हैं इस वाली सेल्फी स्टिक में, तो इसमें आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी वाइज मैं अगेन यही बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेटर है। ये भी एक्सटेंड हो जाता है आई थिंक, यस। इसमें भी आप कितना भी बड़ा फ़ोन लगाना चाहें लगा सकते हैं, ये इजीली लग जाएगा आपको। अगर ऐसे लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही है। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो इसको चार्ज होने में 1 आवर लग जाता है, और आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं 1 आवर के लिए। मतलब जितना देर आप इसको चार्ज करोगे आप उतना ही देर इसको जला के रख सकते हैं। दोनों ही सेल्फी स्टिक में मैं आपको फ़ोन अटका के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फ़ोन,
कि हमारा फ़ोन अटक चुका है इसमें, ऐसे आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं, ये आगे पीछे आपका हो जाएगा। लेंथ आप इसकी बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर मैं से बात करूँ तो ये थोड़ा हिल रहेगा, ये अगर थोड़ा आप देखेंगे ना, थोड़ा आप ये देखेंगे तो ये बैंड भी कर रहा है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये फ़ोन लगा के। तो ये क्वालिटी वाइज मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा है, बट एज अ ट्राईपॉड आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब इसका अगर हम ट्राईपॉड बनाते हैं तो देखते हैं क्या ये इजीली खड़ा हो पा रहा है इस पर, तो इसको चेक करते हैं। पहले इसको साइड कर देते हैं यार, यस। अब देखिए ये आपका इजीली खड़ा हो जा रहा है। अगर आप इसको नीचे करके वीडियो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। काफ़ी स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, गिर नहीं रहा है इजीली। अगर इसके हम हाइट बढ़ाते हैं तब भी ये नहीं गिर रहा है, स्टेबिलिटी अभी भी इसकी काफ़ी सही है। अगर आपको शॉट्स वगैरह बनाने के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे आपका फ़ोन लग चुका है। अगर आपको लाइट का यूज़ करना है तो कर सकते हैं, मेरे को लाइट की ज़रूरत नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ। और अगर आप इसको ऐसे भी लगाते हैं तो भी आप इजीली अपना शूट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से इसका वेट संभाल पा रहा है फ़ोन का। तो स्टेबिलिटी में मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगी है। अब डिजिटेक कंपनी को चेक कर लेते हैं कि वो कैसी है, तो इसको निकालते हैं, चलो सही साइड हो जा तू। अब देखते हैं इसको, अगर तो हम इसमें फ़ोन अटकाते हैं, सबसे पहले पोर्ट्रेट पर हम अपना फ़ोन अटकाएँगे, तो ये गाइस काफ़ी टाइट है। उसमें हमारा फ़ोन इजीली लग गया था, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है मेरे को, बट कोई नहीं। तो इसकी स्टेबिलिटी अगेन ये आप देख सकते हैं, ये एज अ ट्राईपॉड दिक्कत कर रहा है। तो अगर आप रिव्यूज़ वगैरह की वीडियोस बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए आपको कैमरे को नीचे करना पड़ेगा, तो क्या ये इसका वेट सह पा रहा है? नहीं गाइस, ये देखिए ये जो आपका फ़ोन है ये संभाल नहीं पा रहा है ये ट्राईपॉड। डिजिटेक कंपनी की सेल्फी स्टिक है 500 वाली, बट आपका फ़ोन गिर जा रहा है। तो क्या ये ऐसे चलेगा? नहीं, ये संभाल नहीं पा रहा है आपके फ़ोन को। अगर आप अपना फ़ोन सीधा रख के वीडियो बनाते हैं तब ये चल जाएगा, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसका फ़ोन का एंगल कुछ ऐसा है तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका एंगल नीचे करता हूँ, थोड़ा मैं इसको नीचे करता हूँ तो गिर जाता है, तो ये दिक्कत की बात है इसमें। तो एज अ ट्राईपॉड मैं यही कहूँगा कि आपके लिए ये वाली सेल्फी स्टिक ज़्यादा बेटर है, ये आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है और स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी, आपका फ़ोन गिरेगा ही नहीं, और इसमें आपको लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। बट अगर क्वालिटी थोड़ा मैं बात करूँ तो वो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा भी करता हूँ तो आपको ये देखिए आपको कोई दिक्कत इसकी क्वालिटी में ऐसी लगेगी नहीं, ये टाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। एज अ क्वालिटी वाइज ये वाली सेल्फी स्टिक मुझे को ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस सेल्फी स्टिक में मुझे एक और दिक्कत लग रही है, ये देखिए अगर ये जैसे आप ओपन क्लोज़ करते हैं तो ये एक टाइम के बाद लूज़ हो सकता है, ये चीज़ आपकी एक टाइम के बाद लूज़ हो सकती है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसको टाइट करने के लिए। लेकिन जो ये वाली सेल्फी स्टिक है इसमें आपको एक बटन देखने के लिए मिल रहा है, ये स्क्रू टाइप का, तो अगर आप इसको लूज़ करेंगे तो ये आपका लूज़ हो जाएगा, इसको टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है बट इसमें मिल रहा है। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आपको एज अ ट्राईपॉड ज़्यादा यूज़ करना है अपनी सेल्फी स्टिक का तो ये वाली ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेल्फी स्टिक चाहिए तो ये वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसका लुक भी अच्छा है। लुक तो वैसे दोनों के ही अच्छे हैं बट एज अ क्वालिटी मेरे को ये वाली ज़्यादा बेटर लगी है। लेकिन गाइस जैसे मेरा काम ज़्यादा ट्राईपॉड का ही होता है तो मेरे लिए फिर ये वाली सेल्फी स्टिक अच्छी है, ये 350 की है, ये 500 की है। बट अगर किसी को ट्राईपॉड नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फी स्टिक ही चाहिए, तो उसके लिए फिर ये वाली ज़्यादा बेस्ट है।
आपको जो सेल्फी स्टिक पसंद आई आप वो ले सकते हैं। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।